तो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा किधर रही हूँ। ये मेरे साथ हुआ क्या है, चेक करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़हरा नदीम व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जो बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे। अब्दुलरहमान उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना। तेरा व्लॉग स्टार्ट हो गया तो हर आड़ी। उठो ना, स्कूल नहीं जाना। एमन एमन उठ जा, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। 7 बजे उठना है। नहीं अभी उठना है, पागल है। हाँ अभी उठना है, 6:30 हो गए, 7 बजे नहीं उठना। उठना फाइनली आपको उठना ही पड़ा क्योंकि स्कूल तो जाना था। रेडी शेडी हो गए हो और ये भी रेडी हो गई। मन रेडी हो? ये दुपट्टा तो प्रेस कर लेती। इस तरह सही है, इस तरह सही है। ब्लश ऑन यूं लगाया हुआ है और दुपट्टा इस तरह ही सही है। जा रहे हो फिर? बाय बाय। आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हो, आ जाओ फिर अंदर आ जाओ। वो उड़िया भी आ रही है। उड़िया जा रही हो? बाय बाय। एमन आपकी किधर है? वो देखो वो छुप के बैठी है, नजर आ गई है, वो चेक करो। एमन एमन क्या हुआ है? ये देखिए नजर आ गई है। चलो जाओ, अल्लाह हाफिज़। ड्रेस मैंने अपना प्रेस कर लिया, अब बस चेंज करते हैं जी। तो मैं रेडी शेडी हो गई हूँ। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं जा किधर रही हूँ। मैं जा रही हूँ जी अपने कॉलेज का दीदार करने। भाई मुझे अपने कॉलेज की याद ही इतनी आ रही थी, मैंने कहा मैं इतने दिन अपने कॉलेज से कैसे जुदा रह सकती हूँ, तो चलती हूँ। रुको जरा, सबर करो। ये बात नहीं है, कोई याद शाद नहीं आ रही थी मुझे। असल बात है रोल नंबर स्लिप लेने जाना है। वैसे तो मैंने जाना नहीं था कॉलेज, मैं उस दिन कॉलेज को बड़े मज़े से बाय बाय करके आई थी। अब जाना पड़ेगा, रोल नंबर स्लिप भी तो लेनी है, बोर्ड के पेपर भी तो देने हैं। ये है जी मेरी आज की लुक। पिछले पूरे 1 घंटे से मैं वैन वाले अंकल का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, लेकिन वैन वाले अंकल अभी तक नहीं आए। फ़ोन करो तो कहते हैं बस मैं रास्ते में हूँ और वो रास्ता अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं कब आएंगे। थैंक गॉड अंकल आ गए, बस निकलते हैं। रोल नंबर स्लिप मैंने अपनी ले ली है, पिक्स वगैरह हम लोगों ने ले ली है, रोल नंबर स्लिप भी ले ली है और स्लैश वगैरह भी पी ली है। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने पीने। हाय चले चले चले। हमारे होते हुए ना आप लोगों को कंटेंट की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम खुद कंटेंट है। अच्छा जी, ये कंटेंट है, मैं ऐसी वेली नहीं हूं। इसको रखते आज रानिया हुई चौकीदार के वॉशरूम में बंद। चलो रानिया अंदर चल जाओ। हेलो हेलो, कैसी हो? ठीक हो? क्या मैं सुलझ जा के जी? जलाल सन हम लोग आ चुके हैं, क्या लेना है? अच्छा जी, ठीक हो गया, डन कराएं। आप जो कहेंगे हम वो ही खाएंगे। हो गया? हाँ जी। आजो आजो ले आओ। रानिया इधर बैठ के खाना है। बहुत एक पागल हो गई है रानिया। बाकी इधर बैठ के खाना है। डिसाइड हो गया हमने रोड पर बैठ के नहीं खाना, अब हम लोग किसी पार्क में जाके खाएंगे या फिर वैन में बैठ के। तुम्हें ज्यादा ही कुछ हंसी आ रही है, इतनी हंसी क्यों आ रही है? आप बहुत फनी हो यार। अच्छा मैं फनी हूँ, तुम क्या हो? तुम फनी नहीं? ओ माई गॉड, कभी आपको देखा नहीं वैसे। हम लोग आ चुके हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा हम लोगों ने किधर बैठना है, धूप में बैठना है, छांव में बैठना है, किधर बैठना है। रानिया इससे ज्यादा अच्छी कोई जगह नहीं मिली तुम्हें। वो देखो वो चेक करो किस तरह बैठ रही है। आयशा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम कहीं पे भी बुरी आ जाओगी, छोटी सी तो हो तुम। सब मैं खाऊंगी, तुम्हारी सेहत से लग भी रहा है। रीदा तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, कितनी बेशरम हो, इंतजार करना चाहिए था तुम्हें मेरा। ये जो है ना खाने में बिजी नहीं है, मैं खा पी लिया है, ये खाने में बिजी है, ये खाने में बिजी है, बल्कि इसने भी खा पी लिया। और इसकी मैं आप लोगों को पिक दिखाती हूँ, ये चेक करो।
देख लिया हम लोगों ने, देख लिया। मेरे चलो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने कॉलेज। कॉलेज के सामने वाले पार्क में ही हम लोग आए हुए थे। तुमने ना सबको डराना है रीदा। चलाओ चले, उठो उठो कॉलेज वापस। बाय बाय कॉलेज, अब पक्का नहीं तुझे मिलना। कॉलेज से फ्री होने के बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने बेल तो दिया मगर अभी तक कोई खोल नहीं रहा। कोई नहीं, इंतजार करते हैं और अंदर चलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा। अभी जाओ, चलो भाई दरवाज़ा खोलने आई है आयशा मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चल चल मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप भी सो के उठी हैं? नहीं, खाना खा के उठी। अच्छा जी, खाना खा के उठी। चलो चलो आ जाओ। कॉलेज से आने के बाद मैं ऐसा सोई कि ऐसा ही सो गई कि अभी अभी उठी हूँ। मैंने कहा सारा कुछ पढ़ लेते हैं, बुक्स वगैरह मैंने निकालनी थी बाहर ताकि मैं कुछ पढ़ लूँ। लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या है, चेक करो। मैं पेन में इंक भरी थी, मैंने कहा चलो कुछ लिख लेते हैं, साथ साथ पढ़ लेंगे। मगर मेरी बहन आई है हुड़िया, यहाँ पे इंक भरी थी, आई है, इसने बड़े मजे से ये कॉपी पकड़ी है, यूं किया सारी इंक नीचे गिर गई। ये चेक करो क्या मैंने क्या किया है। तुमने मेरी इंक की डब्बी जाया कर दिया, पैसे दे देना मुझे। मैंने की है? हाँ जी। हुड़िया ने की है? गलती तुम्हारी है, भर रही। इसने की है? मैंने नहीं की, मैं ना वापी का ना वो भैया का ना वो देख रही थी टाइम टेबल, तो मैंने वो कॉपी पकड़ी थी, फिर आप वो वही ना की कॉपी लेने आई थी, वो कॉपी पकड़ने लगी, इंक पॉट यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसने यूं कॉपी की है, सारी डब्बी नीचे। और इस वक्त ये चेक करो हालात क्या हो गए। एमन अपने शूज पीछे ले जो, ये जो तुम शोखियां मार रही हो ना ये भी खराब हो जाने हैं। अपना दूसरा पाँव दिखाना, वो देखो क्या, वो क्या हुआ है। आप ही चेक करो। वाओ नाइस अमेजिंग। अभी मम्मा को नहीं पता, मम्मा को पता लगेगा फिर, पता नहीं क्या होता है। ये चीज चेक कर, मापी ने इंक गिरा दी। मैंने नहीं गिराई, हुड़िया ने गिराई है। ये देखो छापे मार गया पाँव के। बड़ा मजा आ रहा है। ये क्या किया? मैंने नहीं किया, हुड़िया ने किया। ये देखे मैंने साफ करी है, हुड़िया साफ करे। आप खुद ही साफ करो। मामा मैंने नहीं किया, हुड़िया ने आगे डब्बी गिराई है। गलती तुम्हारी भी है, जिसने भी गिराई है करो साफ। बाहर कहाँ पे रही हो तुम? बाहर कहाँ पे रही हो, मुझे क्या पता था इसने आ जाना है। बस मैं अपने पाँव धोने जा रही हूँ, तुम जानो और इंक जाने और हुड़िया जाने। तो हुड़िया ने गिराई है, फिर हुड़िया जाने, मैं जा रही हूँ भाई। शाबाश शाबाश बेटा, आपके साथ यही होना चाहिए। आपने जो कारनामा अंजाम दिया था ना, पहली दफा। हाँ जी, आपने पहली दफा ही हरकत ऐसी की है। अब लगाएं बैठ के। और यहाँ पर मेरे पाँव की हालत चेक करें, मैंने इतना धोया मगर इंक उतर ही नहीं रही। पता नहीं कैसी इंक है ये, देखो शुक्र है ये आगे आगे से उतर गई है। जादू इंक है, तुम अपना काम करो। ये देखो नेल्स के अंदर इंक सारी गई हुई है। यार हुड़िया बहुत गुस्सा चढ़ रहा है मुझे ना, तुझ पे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। यहाँ से उड़िया ने सब कुछ साफ तो कर लिया, लेकिन अब इसकी हालत चेक करो, हाथ चेक करो, कपड़े इसने देखो खराब सारे कर लिया, पाँव चेक करो इसके। तो वाह उड़िया, अब जाके ना अपनी भी सफाई करो। चलो मैं ना इस वक्त बैठ के पढ़ रही थी और मैं बैठे 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 मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना प्रैंक किया जाए। और वो प्रैंक किसके साथ करना है, अभी तो अब्दुलरहमान के साथ करते हैं। करना कौन सा हॉरर प्रैंक भाई। अब्दुलरहमान इस वक्त गया हुआ है वॉशरूम में, तो मैं सोच रही हूँ ये प्रैंक कर देना चाहिए, इसी वक्त कर देना चाहिए। ये मैं अपने फेस पे वेयर करती हूँ। दूसरे रूम के वो वॉशरूम में गया हुआ है, वहाँ पे जाके कैमरा वगैरह सेट करते हैं और फिर अपना ये प्रैंक स्टार्ट करते हैं। यार बहुत मजा आने वाला, कमाल का होगा प्रैंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस मैंने इसे डराना है। हाँ जी मैं तो आप लोगों को डरा रही हूँ, खैर आप लोग ना डरो। अभी मैंने ये पहन लिया, अब जाते हैं दूसरे रूम में, वहाँ पे जाते मैं पहले कैमरा वगैरह सेट करती हूँ और फिर प्रैंक करते हैं, इससे पहले कि अब्दुलरहमान वॉशरूम से ही बाहर आ जाए। भाई चलते हैं, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा इसमें। मुझे इस वक्त बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि आहिस्ता बोलना है, ज़ोरा आहिस्ता बोलना है, उसकी आवाज़ पहुँच जाएगी। अच्छा तो मैं बता रही थी कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैमरा कहाँ पे सेट करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ना बस जाती हूँ वॉशरूम में और प्लान कर देंगे, कैमरा मैं अपनी तरफ रखूँगी
और फिर जब मैं डराऊंगी तो कर दो, ये जो भी होगा। अभी मैं पहले फ्लैश ऑफ करती हूँ और फिर प्रैंक करते हैं, क्योंकि फ्लैश ऑन हुआ तो फिर शक हो जाता है। भाई फ्लैश वगैरह मैंने ऑफ कर दी है ताकि अब दिमाग को पता ना लगे, बस उसका इंतजार करते हैं। सही तूने मजाक बना के रखा हुआ है। मजाक है हर टाइम, प्रैंक 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 प्रैंक। तेरे साथ कोई प्रैंक नहीं हुआ था हर बार तेरे साथ, मतलब के तेरे ऊपर प्रैंक करते थे ना। मैंने कहा तेरे साथ करते हैं तो पीछे पिछली दफा नहीं प्रैंक किया था यार। मजा आया ना, मजा आया, मजा आया, ड्रा कर रख दिया, मजा आया यार। मुझे यकीन नहीं आ रहा तू डर कैसे गया, डर गया तू? नहीं मुझे नहीं लग रहा था तू डरेगा, पर तू डर गया। ये मेरा प्रैंक जीत गया। ये क्या तमीज से? हाँ जी तमीज से। निगल दादू की तरफ हम लोग आ चुके हैं और मैं इसलिए आहिस्ता बोल रही हूँ कि ऊपर ना विंडो खुली हुई है, तो मैं कह रही हूँ कि कहीं आवाज़ ना चली जाए। तो बस अब अब्दुलरहमान ना फ़ोन करता है पुप्पो को, पुप्पो को हम लोगों ने बता दिया था कि हम आ रहे हैं, तो कोई आ गया मुझे ख्याल से पुप्पो आई हैं। हाँ जी पुप्पो ही है। प्लान ये है कि सारे सोए में हम मेरे सोए, क्योंकि मैं इसलिए जाग रही थी कि मैंने दोपहर को सो लिया इसलिए मैं जाग रही थी। और मैंने पुप्पो को पहले ही बता दिया था कि प्रैंक, अभी हमारा प्रैंक जो है ना शुरू होगा। पहले अम्मी से पूछेंगे कि आशा किधर गई है। दादो इतना डर जाए नहीं, वो बात कोई नहीं, हल्का फुल्का डर भी जाएगी। ये देखें अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेन चीज, ये जो हमने भूत रेडी किया है, चेक करे। ये पुप्पो ने ना इसे दिया, मैं तो खाली यही लेके आई थी, ये जो मुंह पे इसने पहना है। पुप्पो कहती नहीं सही वाला जिन लगना चाहिए, पुप्पो ने इसे ये अबाया भी बना दिया है। चलो खैर आहिस्ता बोलते हैं, और आयशा अम्मी मिल नहीं रही, पता नहीं किधर सोई है। पहले चलते हैं, पहले पूछते हैं अम्मी से कि अम्मी आशा किधर है। ठीक है इसी बारे दादू भी डर जाएंगे, दादू भी डर जाएंगे। चलो मैं ना फ्लैश ऑफ कर दूंगी, तो ना आहिस्ता से करके ठीक है। प्रैंक स्टार्ट करते हैं। लेटी हुई है दादू, आहिस्ता बोले आहिस्ता। मैं गई तो मेरी हंसी निकल आ रही है, प्लान चौपड़ हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, कुछ नजर आप लोगों को नहीं आ रहा। भूत ये घर है दादू, वो सोई हुई है। अब तो मान तो जाए दादू। ये देखिए आपका बेटा दादू फुल नींद में। मैंने डरावना सी तुझे, परे दफा हो जो जान मेरी थड़क थड़क कमा ला पी। दादू जी हमने आपको नहीं डराना था, हमने आपसे पूछना था आयशा किधर है। आयशा तो आई नाराज होकर सुती थी उधर खड़े। अच्छा हम आयशा को डराने आए थे। डरा मैंने दिता तो हां ए ते काम नहीं चंगा। हमने कहा आयशा के साथ सही होगी। उधर रुसी रही है उधर है उधर मेरे कमरे च सुती सामने वाले कमरे में इथे मेरे नाल ही सौंदी है उधर चल गई रही है। अच्छा उधर चली गई ते तू ही मेनू चंगा डराया ही है ते नहीं काम दादू कोई मसला नहीं। हमने आपको डराना बिल्कुल भी नहीं था, वो तो आप खुद ही डर गई। आप अपने बेटे को देख के डर गए। चलाओ चलते हैं अब आयशा उन्हों के रूम में। आ जा अब्दुल मां चुप करके आराम से, वो देख सोनी है दोनों। पहले तो मैं पंखा बंद करती हूँ आराम से। आ जा मैं इधर छुपने लगी हूँ।
अब रोने वाली हो गया। प्रैंक होता करने वाला। सोई हुई थी दोनों। ये देखो तुम किससे डरे थे, ये इस नमूने से डर गए थे तुम लोग। ओए 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 बस चुप कर। वो देख पागल हो गई है यार। आधी रात को तुम लोग कहीं प्रैंक सूझ रहे हैं, नींद बंदे की अगले खराब कर दी तुम लोगों ने। मुझे बता ये दिन के वक्त प्रैंक होता है ये वाला प्रैंक। मुझे गूज बम्स आ गए थे। वो देखी गूज बम्स प्रैंक होया तेरे नाल है। दोबारा लेट गई है रुबाब। अब तुम्हें रात को ड्रीम्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है ठीक है, लाइटें बंद करो, पंखा चलाओ और जाओ। जाओ देखो जरा कर दिया आधी रात को तुम लोग इस तरह गंदे प्रैंक सोच रहे हैं। चलो नहीं पता इस तरह करने से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तुम्हें आया तो नहीं ना, तो आ जाता कोई मसला नहीं। मैं समझी मैं कोई चीज आ गई क्या हो। मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ और मैं देख रही हूँ इसने अचानक मैं डर गई। मैं कह ये क्या हुआ है। बस बस बहुत अच्छा प्रैंक हो गया। बस सोचो सोचो डरा तानू डराया पहले मेनू डराया नींदर अजे शुरू हो प्रैंक वगैरह करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। अब सोते हैं। लेकिन जो मैंने कल व्लॉग अपलोड किया था गेस द सॉन्ग चैलेंज, वो मैंने काफी ज्यादा लेट अपलोड किया था, तो यार ये चलता रहेगा क्योंकि मेरे पेपर्स आ रहे हैं तो वो भी तैयारी वगैरह करनी होती है। इसी वजह से कल वाला व्लॉग मैंने लेट अपलोड कर दिया था। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि रोजाना अपलोड करूं और 3 बजे तक मैक्सिमम कर दिया करूं। लेकिन खैर कोई मसला नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है। बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, ये ना हो कि आप लोग मुझे सपोर्ट ना करें। आप लोग मेरी फैमिली है तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है। अगर मैं लेट भी व्लॉग अपलोड कर दूं तब भी आप लोगों ने देखना है। सो अभी तो दें आप लोग मुझे इस व्लॉग से इजाजत। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये प्रैंक अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।